need more. Zakat, khaira, sadqa, fitra, madar sahaja, mustaq, tulba jala. सुबह हो गई है, कपड़े मैंने कर रखे हैं रेडी और अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपका अपना रिजवान तालपुर। जैसा कि आपको पता है, आज है ईद उल फितर का दिन। ईद उल फितर मुसलमानों का सबसे बड़ा खुशी वाला त्यौहार होता है, जो कि पूरा रमज़ान रोज़े रखने के बाद ईद उल फितर का दिन आता है। आज के दिन है सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा ग्रीटिंग्स होती हैं और भी ज़्यादा जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। फर्स्ट मैं रेडी हूँ नमाज के लिए, मैंने कपड़े भी पहन लिए, सब कुछ रेडी हो गए हम नमाज के लिए। मेरे साथ राशिद भाई भी होंगे, मेरे कज़न नोमान भी होंगे और भी मेरे भाई भी होंगे और भी जितने भी रिलेटिव हैं सब जाएंगे नमाज के लिए। नमाज के बाद हम अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे और भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी, जितनी भी होंगी एक्टिविटीज़ सबकी सब एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। पहले हम रेडी हैं नमाज के लिए। हम नमाज़ पढ़ने के लिए हम जाएंगे हमारे मोहल्ले की सबसे बड़ी ईदगाह मस्जिद है। हमारे मोहल्ले की क्या पूरे टंडे जाम में एक ही ईदगाह मस्जिद है, तालपुर गोट की ईदगाह मस्जिद में हम जाएंगे। तो पहले हम जाएंगे नमाज के लिए, नमाज के बाद जितनी भी आज की एक्टिविटीज़ होंगी सारी की सारी आपके साथ शेयर करेंगे। कोशिश करके व्लॉग पूरा देखिएगा, शॉर्ट व्लॉग बनाएंगे लेकिन व्लॉग अच्छा बनेगा। लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, आप अपने भाई रिजवान को सपोर्ट कीजिएगा। पहले मैं निकलने के लिए तैयार हूँ नमाज के लिए, तो चलो हम जाते हैं नमाज के लिए। चले जी, हमारी फैमिली भी रेडी हो चुकी है, मेरा छोटा भाई और दोनों भांजे ये भी रेडी हो गए, ये भी जाएंगे हमारे साथ नमाज के लिए। चलें जी, हम जा रहे हैं ईदगाह मस्जिद के साइड नमाज के लिए। देख सकते हैं आप, सब के सब नमाज के लिए जा रहे हैं। फिक्स 8 बजे नमाज होगी, 7:55 बज चुके हैं, फिक्स 8 बजे हमारे पास नमाज हो जाती है। देख सकते हैं आप, हम पहुंच चुके हैं ईदगाह मस्जिद के पास, जिस पर बहुत ही ज़्यादा रश लगी पड़ी है। और ये हम पहुंच चुके हैं अपनी ईदगाह मस्जिद में। देख सकते हैं आप कितनी रश लगी पड़ी है और भी आवाम। तारिक भाई फितरा लेते हुए वापस सही साहब हमारे खुतबा दे रहे हैं। ज़कात खैरा सदका फितरा मदरसे मुस्तक तुलवाइल है। इसके बाद हम भी सफ में बैठ के हाफिज सईद साहब खुतबा दे रहे थे। हाफिज साहब ने जैसे ही खुतबा एंड किया तो सब खड़े हो गए नमाज के लिए और नमाज स्टार्ट होने लगी। पाँच मिनट के अंदर नमाज हो गई कंप्लीट। नमाज कंप्लीट करने के बाद हाफिज साहब ने खुतबा देना स्टार्ट कर दिया। खुतबे का पढ़ना सुन्नत है, सुनना वाजिब है। खुतबा खत्म होते ही नंबर आया दुआ का, हाफिज साहब ने दुआ करवाई, सब ने दुआ मांगी अल्लाह ताला से। दुआ एंड होते ही बारी आ गई ईद मिलने की, सबने एक दूसरे को दी ईद मुबारक।
सबसे ईद मिलने के बाद मैं निकल पड़ा अपने घर की तरफ। मैं घर पहुंचने ही वाला था तो सामने मैंने देखा मेरे दोनों कज़न आ रहे थे ईद मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ये है दोनों मेरे छोटे कज़न। मैं इनसे मिलने के लिए इनके घर जा रहा था, लेकिन इतफाक देखें ये खुद हमारे पास पहुँच चुके हैं, तो इनको भी अपने घर पर करेंगे वेलकम। अब थोड़ी देर के बाद मैं इनके घर भी जाऊँगा तो वो वाला सीन भी आपको दिखाएंगे। चले आ जाए। जैसे ही घर पर पहुंचे तो मुझे लगी थी कड़ाके की भूख, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था। देख सकते हैं आप, मेरी फेवरेट बिरयानी हो गई रेडी, जो कि मैंने ज़बरदस्ती लड़ झगड़ के तैयार करवाई, क्योंकि घर वालों की चॉइस कुछ और थी, लेकिन मुझे तो पसंद है बिरयानी, मैं बिरयानी लवर हूँ, तो इसलिए मैंने बिरयानी अपनी रेडी करवा दी है। बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी है माशाल्लाह, आप टेस्ट करके ट्राई करते हैं। बहुत ही आला, ज़बरदस्त। उसके बाद मेरे की बाइक स्टार्ट और मैं निकल पड़ा ईद मिलने के लिए मीर शेर मोहम्मद हाउस टंडो जाम। 5 मिनट के अंदर मैं पहुंच गया था मीर हाउस टंडो जाम पे, जो कि मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक ही है। मीर शेर मोहम्मद खान तालपुर साहब टंडो जाम की मशहूर और मारूफ शख्सियत है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मीर साहब खुद अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी भी है। हम रूटीन के मुताबिक हर साल मीर साहब से ईद मिलने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कितनी आवाम की रश लगी पड़ी है, क्योंकि मीर साहब हर गरीब हर मजदूर के लिए आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। चले जी, हम पहुँच चुके हैं मीर हाउस टंडो जाम पे। हमें इतफाकन हमारे प्यारे यूट्यूबर और हमारे सीनियर उस्ताद, हमारे टीचर और क्रिकेटर, सब कुछ सब फील्डों को मिलाकर आज आगा साहब भी हमें यहाँ पर मिल गए हैं, तो इनसे भी लेते हैं हाल अवाल। बहुत अच्छा लगा, और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे मीर साहिबान हैं उनकी हमेशा मोहब्बत, और ख़ासतौर पर मीर शेर मोहम्मद की मोहब्बत है, और हमेशा ईद के पहले दिन यहाँ पर आते हैं और बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात होती है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो ईद का जो है वो मज़ा दुबारा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आज आगा साहब से भी इतफाकन हमारी मुलाकात हो गई। इस्माइल जम्मू साहब, हमारा प्रोग्राम तो बना हुआ है एक दूसरे से इंटरव्यू करने का, इंशाल्लाह वो तो करेंगे इंशाल्लाह। साई नवीद शाह हमारा मेन कैरेक्टर, साई नवीद शाह को भी कवर करेंगे व्लॉग में। इसके बाद इंशाल्लाह हमारे मुख्तलिफ जो है वो थोड़ी देर हमने की अपनी पुरानी कंपनी के साथ गपशप, उसके बाद हो गया था लंच का टाइम, तो हमारे लिए खाना लग गया। हमारी कंपनी मुंह पूछा गई, आपस में गपशप भी कर रहे हैं, तो मजाक मस्ती भी हमारी जारी रहती है, और ये हमारे लिए खाना भी लग रहा है। ये अमूमन ये होता रहता है, जो भी यहाँ पर ईद ग्रीटिंग्स के लिए आता है तो उसके लिए मेहमान। चले जी, मीर बंगलों पर खाना लग चुका है हमारे लिए, और हमारे प्यारे दोस्त साईं इस्माइल समो साहब और जावेद भाई साहब, फेरोज भाई और सर अली मोहन तालपुर साहब, सब यहाँ पर बैठे हैं। हमारी गपशप भी चल रही है, मजाक मस्ती भी चल रही है। ये हमारा ग्रुप है, तो हम वैसे ही थोड़ा फ़नी रहते हैं, और रोटी भी हमारे लिए लग गई है, तो ईद के दिन जो भी यहाँ पर आता है तो रोटी तो लाजमी बनती है। अब हम रोटी थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, और थोड़ी हमारी कंपनी बैठी थी तो हमने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर दें, और थोड़ा बहुत व्लॉग में ये भी आ जाएंगे, और ये भी हमारे सब के सब सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सबका। इसके बाद हम सब ने मिलकर किया लंच और मैं निकल पड़ा अपने घर की तरफ। मैं घर पर पहुंचा ही था तो थोड़ी देर में मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई शहजाद मेरे पास पहुंच गए ईद मिलने के लिए, और उसके बाद हम निकल पड़े थोड़ा फोटोग्राफी के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जाम, जहाँ पर हमने की थोड़ी बहुत फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के बाद हमारा मूड बन गया था चाय पीने का, इसके लिए हमने की बाइक स्टार्ट और निकल पड़े सीधा सुपर मदीना रेस्टोरेंट की तरफ। 6 किलोमीटर सफर करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके थे सुपर मदीना रेस्टोरेंट पे। सुपर मदीना रेस्टोरेंट टंडो जाम टू हैदराबाद के बिटवीन में आती है, बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है, बहुत ही अच्छी रेस्टोरेंट भी है। आपने शायद चेकआउट किया होगा, अगर आपने विजिट नहीं किया तो एक बार लाजमी यहाँ पर चेकआउट कीजिएगा, और यहाँ की चाय लाजमी ट्राई कीजिएगा। चले जी, ईद के डे की सारी एक्टिविटीज़ हमने आपको दिखाई। पहले हमने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद रिलेटिव जितने भी थे उनके साथ मिले, और शाम का टाइम हमारा होता है, ये हर ईद पर यही होता है, शाम का टाइम होता है मेरे प्यारे भाई प्यारे प्यारे दोस्त के साथ। तो मैं अभी पहुंच चुका हूँ सुपर मदीना रेस्टोरेंट पे,
यहाँ पर हम चाय भी पियेंगे और इंजॉय करेंगे। मेरे साथ है मेरे प्यारे भाई, प्यारे दोस्त शहजाद भाई, ये अपना तारुफ खुद करवाएंगे। टीचर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं और भी बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं काफ़ी चीज़ों पर, तो ये अपना तारुफ खुद करवाएंगे। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा मिस्टर रिजवान का। तो जैसे कि इन्होंने कहा आपको कि ये खुद भी जो है ना बड़े यूट्यूबर भी हैं और व्लॉगर भी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, और मेरे जो है बिल्कुल दिल अजीज एक भाई भी हैं। और कहने का मकसद है कि हमारी एज यूजुअल जो रूटीन होती है वो इवनिंग में साथ मिलने की ही होती है, तो फिर वो डिपेंड करता है हम चाय पिएँ खाना खाएँ, वो हमारे ऊपर है। कहने का मकसद है कि मेरा एक ही भाई है, ठीक है, तो इवनिंग का टाइम जो है वो इन्हीं के साथ ही होता है। बाकी जो है बेसिकली जो मेरा पैशन है वो मैं टीचर हूँ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी पढ़ाता हूँ। वैसे जो एक स्पेशल सब्जेक्ट है वो मैं फिज़िक्स या केमिस्ट्री साइड, मतलब नाइन्थ मैट्रिक जो है उसको टीच करता हूँ, ठीक है, तो ये इन द कैटेगरी ऑफ साइंस ही आ जाता है। तो ये जो है मेरे भाई बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ यूट्यूबर स्टार्ट किया है इन्होंने काम करना, और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनाते हैं। आज पहला व्लॉग है जो हमारा एक साथ है, कुछ कामकाज की वजह से हमने जो है साथ व्लॉग नहीं बनाया। होता अमूमन ऐसे है कि या मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो इनका व्लॉग बन रहा होता है, या ये बना रहे होते हैं तो मेरा व्लॉग बन रहा होता है, एज़ यूजुअल ऐसा ही है। तो आज हमने जो है ना बड़ी मेहनत के साथ हमने एक दूसरा बंदा हायर किया है जो हम दोनों के साथ वीडियो बना रहा है। तो कहने का मकसद है कि ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है, और ईद का भी दिन है जो है, बहुत अच्छा दिन है, खूबसूरत दिन है। और आज हम यहाँ पर सुपर मदीना पर, जैसे कि आपको रिजवान भाई ने बताया कि हम यहाँ पर चाय पीने आए हैं, तो आपको पता है स्ट्रेस कितना होता है, तो स्ट्रेस एक ही चीज़ से हटता है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, और वो होती है सिर्फ़ और सिर्फ चाय। थैंक यू। तो हम यहाँ पर चाय पियेंगे, एंजॉय करेंगे, और हम आज का व्लॉग अपना यहीं पर ही एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिएगा अपने भाई रिजवान को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।